सभी भक्तजनों को सप्रेम नमो। आज मैं आपके समक्ष थायराइड का योगोपचार बता रहा हूँ। थायराइड ग्रंथि जिनकी बढ़ जाती है उनके सामने कई समस्याएं आ जाती हैं, शरीर में सूजन हो जाता है और बराबर एलर्जी बनी रहती है और जल्दी कोई रोग ठीक नहीं होता है, गले में भी दिक्कत आती है, खाना घुटने में भी परेशानी होती है, बोलने में भी किसी किसी को परेशानी हो जाती है। थायराइड की समस्या से जो लोग जूझते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ये गले में भी कुछ लोगों को घेंघा रोग हो जाता है, वो ग्रंथि में दिक्कत हो जाने से, और कुछ लोगों की समस्याएं इतनी विकराल हो जाती हैं कि अंत में जो है उनकी जो है प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है और इस कारण से उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है बहुत एडवांस केस में। तो आज मैं आपको योग के द्वारा इसका उपचार कैसे हो सकता है वह बताऊंगा। यह काफ़ी सरल है और कुछ ही योगों के द्वारा इसका उपचार चंद महीनों में हो जाएगा। हमने जितने लोगों पर उपचार का प्रयोग किया है तो 4 महीने तक जाते जाते का लेवल जो है सामान्य हो जाता है और थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। तो अब मैं आपको पहला बता रहा हूं, पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। पहला है ग्रंथि मुद्रा। ग्रंथि मुद्रा के लिए पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए, दोनों हाथों को एक दूसरे से ऐसे फंसा लेंगे और यहाँ गले के ठीक सामने ला करके इसको जोर से खींचना है। फिर हाथ बदल देंगे, मैं थोड़ी थोड़ी देर कर रहा हूं, आपको 3-3 मिनट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों मुट्ठी को बंद कर लेंगे और फिर गले के सामने लाएंगे और एक दूसरे के विपरीत इसको दबाएंगे। आप इसी क्रिया को पीछे करेंगे, हाथ ऐसे ले गए, पीछे से खींचेंगे गर्दन के ठीक पीछे, फिर हाथ को पलट लेंगे इस तरह से। फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे और दबाएंगे। और इसके बाद आपको चक्रिका प्राणायाम करना है। चक्रिका प्राणायाम के लिए
इसको दाढ़ी को सटा देंगे यहाँ ठुड्डी को और 10 बार सांस छोड़ेंगे झटके से, फिर इस तरफ ले आएंगे और 10 बार सांस छोड़ेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे 10 बार सांस छोड़ेंगे, फिर इधर ले आएंगे 10 बार सांस छोड़ेंगे, फिर इधर ले आएंगे। अब इसी क्रिया को फिर उलट देंगे, यहाँ फिर 10 बार छोड़ेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर पीछे, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से ये पूरा चक्र हो जाएगा। और आप इसके लिए ये है जो उंगली है और यह उंगली मध्यमा और तर्जनी, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे से सटा लेंगे, बाकी ये जो दो उंगलियां हैं इनको सीधा रखें इस तरीके से, ऐसे कर। अब यहां दबा देंगे, सांस झटके से छोड़ेंगे, फिर बगल में, फिर पीछे, फिर इधर, फिर यहां, फिर इधर। नीचे इसके बाद द्रुत नकासी करेंगे, दाढ़ी को यहां दबाएंगे जोर से, यहां से सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, पीछे दबाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, और वैसा वैसा 108 बार करना है, 108। इस तरीके से 108 बार आप करें। इसके बाद आकाश भांति प्राणायाम करेंगे, उसमें सिर को पीछे ले जाएंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे, उसको भी 108 बार करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही 108 बार चले जाएं या तुरंत ही चले जाएं, आप धीरे धीरे क्रमशः इसको बढ़ा सकते हैं, 25-30 बार से शुरुआत कीजिए, एक दो रोज बढ़ाते रहें, आप पहुंच जाएंगे 108 बार। सीना को आगे निकाल लेंगे, इस तरीके से 108 बार करें, आसान है इसको करना। अब इसके बाद आप उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करें, इसमें श्वास भरते समय भी गले की ताकत से आवाज़ निकालते हैं और सांस छोड़ते समय नाक की ताकत से आवाज़ निकालते हैं, वो सांस अपने आप ही छूट जाएगी और जब इसमें भी सांस अपने आप भर जाएगी और ये लगातार चलता रहेगा, इसको भी 108 बार करना है।
इस तरीके से आप करेंगे। यदि कफ आता हो तो आप थूक सकते हैं, उसको तो आप पुनः शुरू कर सकते हैं। इसके बाद कंठवाद उदर पूरक प्राणायाम करेंगे। इसमें श्वास भरते हैं और धकेलते हैं भीतर की ओर। श्वास बार बार भरते रहेंगे और पेट में धकेलते रहेंगे। जब ऐसा धकेल लिए तब दाढ़ी को एम लगा देंगे और जोर से नीचे की ओर दबाएंगे। आपका ध्यान गले पर ही रहेगा, गर्दन पर, गले पर, और शक्ति भी यहीं लगानी है जिससे कि नीचे प्रेशर बने। इसके बाद जालंधर बंद की क्रिया है। सांस भरेंगे और यहां दबा देंगे जितनी देर तक दबाए रख सकते हैं, फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर चले जाएंगे। और इसको भी 108 बार तक करने का प्रयास करेंगे। अपनी शक्ति से जहां तक भी आप जा सकते हैं जाएंगे। इस तरीके से 108 बार करना है, आप जितना तक कर सकते हो। अब इसके बाद प्रणव का ओंकार मंत्र का जाप करना है। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में उच्चारण किया था, आपको वैसा ही उच्चारण करना है। श्वास भर लेना है और उच्चारण करना है लंबा। आ, ऊ और म की मात्रा बराबर रखते हुए उच्चारण करना है। पूरा उच्चारण कर लेंगे तो रेस्ट करेंगे, फिर उच्चारण करेंगे। इसको भी 108 बार करना होता है, यानी एक माला जपना होता है। और एक बार जो उच्चारण होगा वो 16 सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो कोई बात नहीं, अभ्यास आप करते रहें, ये धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा।
इस तरह से एक बार हुआ। आप इसको क्रमशः बढ़ा सकते हैं, 108 बार तक ले जा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप सुबह सुबह वमन क्रिया कर सकते हैं, उसका भी बहुत लाभ होगा। उसके लिए आप काग मुद्रा में बैठ जाएंगे और जल पिएंगे, अधिक से अधिक जल पीने की कोशिश करेंगे। जब जल पी लेंगे तब खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद इन तीन उंगलियों के नाखूनों को काट लेना है और इन तीन उंगलियों को एक साथ गले में भीतर डालना है, और जब भीतर डाल करके इसको थोड़ा सा छेड़ देंगे उंगलियों को, अपने आप ही उल्टी हो जाएगी। उस क्रिया को भी करना है, प्रतिदिन करने की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम एक दिन के बाद एक दिन इतना तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आसन जो कि इसके लिए बहुत लाभकारी हैं। एक आसन है योग मुद्रासन, इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे कर लेंगे और सांस होते हुए आगे जाएंगे और दाढ़ी को जमीन से सटाएंगे। जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं रोके रखेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आप अच्छा से देख सकते हैं, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। अब इसके बाद मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन के लिए इसी मुद्रा रहेगी, पैर एक दूसरे पर चढ़ाए रखेंगे और सिर को पीछे कर देंगे और जमीन से सट जाएंगे, सीना को उठा देंगे और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे कि अपनी जमीन से सटी रहे, और श्वास पर श्वास लेते रहेंगे और 3 मिनट तक करना है। इसके पहले जो योग मुद्रासन बताया था मैंने आपको, तो उसको जो है आप 5 बार करेंगे और इसको 3 मिनट तक करना है। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसके बाद आपको खंजन आसन बता रहा हूं। खंजन आसन इसी मुद्रा में ही बैठ करके किया जाता है। आप इसको पीछे ले जाएंगे और सामने की ओर झुकेंगे, दोनों हाथों को यहां रखेंगे एक तरीका और है खंजन आसन का, दूसरी परिस्थिति है इसी में लेट जाते हैं, दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं और सिर को ऐसे रखते हैं। इसी तरह से मकर आसन है, बहुत आसान आसन है। ये
में आप पैर को मोड़ सकते हैं। एक पैर को भी मोड़ सकते हैं बारी बारी से। अब इसके बाद पूर्ण सर्वासन बता रहा हूं। थोड़ा कठिन आसन जरूर है परंतु बहुत ही लाभकारी। ऐसा 3 मिनट तक करना है, मैंने थोड़ी देर दिखाया है। वैसे आप जहाँ जितनी देर तक कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ हलासन, उसमें लेट जाते हैं और लेट करके पीछे की ओर पीठ के बल लेट जाएंगे और पीछे की ओर दोनों पैरों को ले जाएंगे और घुटने को सीधा रखेंगे। इसको भी 3 मिनट तक करना है आपको। अब इसके बाद मैं सर्वांग आसन बता रहा हूँ, जिसमें कि दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं कमर सहित और पीठ सहित, कंधा और सिर नीचे रहेगा और हाथ नीचे रहेंगे। जो लोग हाथ नीचे रख करके नहीं कर पाते हैं तो वे चाहें तो पीठ को पकड़ सकते हैं। इसके बाद आपको चक्रासन बता रहा हूं। थोड़ा सा कठिन आसन है लेकिन इसे भी आप कर लेंगे कुछ अभ्यास से। लेट जाएंगे और लेट करके दोनों हाथों को पीछे सटा लेंगे और पैर को मोड़ लेंगे और हाथों और पैर के बल पर कमर को उठा लेंगे ऊपर की ओर।
तीन मिनट तक इस स्थिति में रहने की कोशिश आपको करनी है और वैसे आप जितनी देर तक रह सकते हैं शुरुआत में उतनी देर रहें, क्रमशः आपको इसको बढ़ाते रहना है। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वह थोड़ा कठिन तो है परंतु इसके लिए बहुत ही लाभकारी है, उसको वृत्तासन कहते हैं। उसमें पीछे से हाथों को एड़ी से लगाना होता है, दोनों हाथों को दोनों पैरों की एड़ी से स्पर्श कराएंगे, शरीर का सारा हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। इससे यदि आप न कर पाए तो हताश नहीं हो, आप धीरे धीरे अभ्यास करके इसे बढ़ा पाएंगे और कर पाएंगे। कुछ समय बाद ही कर पाएंगे लेकिन कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं तकिया आसन, उसको कहते हैं उपधानासन भी कहते हैं, बहुत ही लाभकारी आसन है। बहुत सिंपल भी है, हाथ को इस तरह से रख लेंगे, दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे। इसे कई तरीकों से करते हैं लेकिन अभी आप सिंपल सा है इसको आजमाएं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंहासन, जो खड़े होकर के भी किया जाता है और बैठ करके भी किया जाता है। तो बैठ करके मैं बता रहा हूं, दोनों हाथों को सामने रख लिए और जीभ को निकाल लेंगे और जोर से आवाज निकालेंगे। इस तरीके से 5 बार आप करें। इसके बाद आपको मैं स्वांग मुद्रा बताने जा रहा हूं।
स्वान मुद्रा में जीव को निकाल देते हैं। स्वान कहते हैं कुत्ते को, जीव को निकाल देते हैं और जोर से मुंह से सांस लेते हैं और इस तरीके से कि लार गिरने लगी मुंह से। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ काल भैरवासन खड़े होकर के किया जाता है। खड़े होकर के एक पैर को आगे ले जाएंगे, दोनों मुट्ठी को खींच लेंगे और जीभ को बाहर निकाल लेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे तो दबाने में और ध्यान गले पर रहेगा और गले की ताकत से आवाज निकालेंगे। खड़े हो गए, देख लीजिए खड़े होकर के पैर को एक पैर को आगे ले जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं षटपदासन, जो इसके लिए बहुत लाभकारी है। दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथों को पार कर लेंगे, इतने आसनों को जब आप करेंगे और जो प्राणायाम बताया उसको आप करेंगे तो यह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और इसमें परहेज में आपको बता दूं कि आपको खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए, खाने से वो नुकसान करेंगी। और ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, जो ठंडी चीज़ें हैं जो खट्टी चीज़ें हैं उनसे आपको बचना है। ये दो परहेज आपके लिए अनिवार्य होगा। और औषधि में जो देसी औषधि है वह मैं आपको बता दूं जो आपके लिए लाभकारी होंगे। आप अश्वगंध और सफेद मूसली, शिलाजीत जावित्री, जायफल, छोटी पीपली, काली मिर्च,
मदार का फूल, अजवाइन, हल्दी, मकोई, बकायन, और अगर बकायन नहीं मिल पाए तो नीम भी चलेगा। इसके अलावा सौंठ, बहेड़ा, सैफ्रॉन, इसको केसर भी बोलते हैं, इनको ले करके आप कूट पीस लें, बारीक पाउडर बना लें, और पाउडर बना करके आप जितना यह लिए हैं उतने ही अंश में आप मुलेठी ले लें और कुलिंजन ले लें, दोनों की मात्रा मुलेठी और कुलिंजन, और मिश्री, ये तीनों को मिला लें और इन तीनों की मात्रा उनकी मात्रा के बराबर रखें, उनको संभाग में लें, इनकी मात्रा कुछ ज़्यादा रहेगी। इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं, वह भी लाभ करता है, और इसका एक एक चम्मच आप शहद के साथ लें तो बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, और इसको दो टाइम कम से कम लेना है। बड़ा चम्मच लें, अगर बच्चे हैं तो छोटा चम्मच ले सकते हैं या एक चम्मच ले सकते हैं छोटा वाला, या बड़ा वाला जो बड़े वयस्क हैं उनके लिए बड़ा वाला चम्मच। तो इन चीज़ों का परहेज करके और इनका सेवन करके आप थायराइड की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। ओम हरि।